हाय बच्चों, मैं दिवाकर सिंह SDS विद्यापीठ इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज आप लोगों के अभ्यास 4.1 कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 4.1 में जो सवाल है वो कैसे हल करते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोगों को दिया है महत्तम समापवर्त्य, जानते होंगे मस और लस। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को भी इस तरह से बताया गया है, पढ़ाया गया है कि मस क्या होता है, लस क्या होता है और उसको कैसे हल करते हैं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के उसी से संबंधित कुछ सवाल हैं जो हल करके हम बताएंगे। जैसे आप लोगों को पता है दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड मस होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, मस होता है। दूसरा चीज, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा संयुक्त गुणनखंड कौन सा संख्या होता है, लस होता है। क्या कहते हैं उसको, लस। दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड मस कहलाता है और दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा संयुक्त गुणनखंड क्या कहता है, लस कहलाता है। अब जैसे हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 जो होते हैं वो कौन सी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5 आदि, यह संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृत। कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। अब दूसरा, जैसे अभी मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आदि जो संख्याएं, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण भी संख्याएं कहते हैं, पूर्ण अंक की संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। कन्फर्म है, 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं और 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि यह पूर्ण संख्याएं भी कहलाती हैं। तो अब आगे सम संख्या, इसमें जो भी हम बता रहे हैं आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसी आधार पे, इसी नियम से आगे आपका जो होता है लस या मस जो भी होगा ये उसी आधार पे हल होगा। अब क्या सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, पिछली भी कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया है सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8 होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं। विभाजित का मतलब आप समझते ही हैं कि कटने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ 26 है, यह क्या संख्या है, दो से विभाजित होगा, दो से कटेगा। मान लीजिए दो से अगर काट रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13, तो यह दो से क्या हुआ, विभाजित हुआ ना। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, जो दो से विभाजित हों, दो से क्या हों, कटे हैं, वह सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं,
विषम संख्याएं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं या क्या होती हैं? अब विषम संख्या का यह होता है जो संख्या दो से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। अब दो से विभाजित होने वाली संख्या में जैसे मान लीजिए आपका 9 ही है, दो से विभाजित होगा नहीं होगा, यह दो से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करके आदि जो भी संख्याएं हैं अगर वह दो से विभाजित नहीं हो रही हैं तो वह संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब अगला है अभाज्य संख्या, वह संख्याएं जो केवल एक से तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो हैं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब संयुक्त, कौन सी संख्या है, संयुक्त जो संख्याएं हैं वह संख्या जो एक से तथा स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 6 सॉरी संयुक्त संख्या वह होती है, संयुक्त संख्या दोबारा हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो एक से तथा स्वयं से, क्या स्वयं मतलब जो भी अंक हो, जो भी संख्या हो, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6, क्या है 6 यह संख्या है, अब यह एक से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, इन सभी से विभाजित होगा ना 6। जैसे मान लीजिए 6 अगर विभाजित कर रहे हैं, 1 × 6 हो गया, या तो 2 × 3 = 6 होता है, फिर 3 × 2 = 6 होता है, फिर 6 × 1 = 6 होता है, तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं यह क्या होती हैं, संयुक्त संख्याएं होती हैं। अब अगला आपका इसमें आता है किसी संख्या की अन्य प्राकृत संख्या से गुणा से प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाता है। अब गुणज क्या कहलाता है, किसी संख्या की अन्य प्राकृत संख्या से गुणा से प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाता है। जैसे मान लीजिए 24, कितना 24 मान लीजिए 24 है, क्या है 24। अब इसके गुणज क्या क्या हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 24 हमें देखना है किस किस संख्या से ये विभाजित हो रहा है, किस संख्या से विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए 8 × 3, 8 कितना होता है 24, कितना होता है 24। फिर 6 × 4, 6 × 4 कितना होता है 24। फिर 12 मान लीजिए, 12 × 2, 12 × 2 = 24। अब यह सब क्या है, इसके गुणज है, गुणज में क्या हो जाए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यह सब क्या इत्यादि क्या है, गुणज है, विभाजित हो रहे हैं। इस प्रकार 24 जो संख्या है इसके जो है 2 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, इस तरह से जो भी आप गुणनखंड निकालेंगे, गुणज निकालेंगे, वो उसको विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 × 8 कितना होता है 24, 3 से भी विभाजित हुआ, 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24,
और दो बढ़ाइयों में 24, 12 गुना 24, तो मतलब यहाँ आपका जो 24 है यह 2 से भी, 4 से भी और 3 से भी, 6 से भी, 8 से भी आदि तरह से यह क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है 24, तो यह क्या हो जाएंगे सब, यह इसके गुणज हो जाएंगे। अब अगला है इसमें समझिए, अब दो दो के गुणज कौन कौन से हैं, तो दो के गुणज मान लीजिए 2 × 1, 2 × 1 = 2, 2 × 2 कितना 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 12। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही आया ना, तो कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के जो भी ये आ रहे हैं यह क्या है, 2 के गुणज हैं, यह इस 2 संख्या के, यह 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है, गुणज है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणज। अब देखिए गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए 24 कितना है, 24 किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण विभाजित करते हैं, पूर्ण रूप से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो वह जो आता है वही क्या होगा, गुणनखंड होता है। जैसे 24 का मान लीजिए कैसे गुणनखंड होता है, अब 24 का गुणनखंड मान लीजिए 24/1 कितना आएगा, 24, यही ना होता है 24/2 कितना 12, 24/3 कितना आएगा 8, 8 × 24 होता है ना, फिर 24/4 कितना आएगा 6, 6 × 24 इस तरह से 24/5 से होगा नहीं, 6 से कितने बार में, 8 बार में, 4 बार में, 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24। अगला 24/8, 8 × 3 = 24, 24/9 होगा नहीं होगा, अब कितने 12, 12 × 24 और फिर 24/24 बराबर 1। अब 24 का जो है गुणनखंड इस प्रकार, यह इसका गुणनखंड होगा, 24 का जो गुणनखंड, जैसे 24/12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 यह 24 के यह सब क्या हुए, गुणनखंड हुए। इससे ये क्या हो रहा है, इस संख्या से यह पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है। जैसे 24 से कम 24 हो जाता है, कट गया, 12 × 24 कट जा रहा है, 8 × 3 = 24 कट जा रहा है, 6 × 4 = 24 कट जा रहा है पूर्ण रूप से, यहाँ कितना है 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, इन सब संख्याओं से क्या हो रहा है, 24 पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो यह इसके क्या हुए, गुणनखंड हुए। अब
भाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो अभाज्य होते हैं, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो अभाज्य होते हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। भाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो अभाज्य होते हैं वह अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 42 है, क्या 42 कितना, मान लीजिए 42 है। अब इसके गुणनखंड जैसे, अब मान लीजिए 42 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका जो होता है पूर्ण गुणनखंड विधि जो होता है, उस आधार पे 42 का अगर निकाल रहे हैं हम तो 2 × 4 2 × 1 = 2 हो गया, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 × 7 = 21 फिर 7 × 1 = 7 तो 42 के जो है 2 × 3 = 7। अब यह क्या है अभाज्य गुणनखंड, क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यह 42 के 2, 3, 7 इस तरह के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनखंड केवल एक हो तो, कितने के, दो संख्याओं का गुणनखंड अगर एक हो तो वह वे सह अभाज्य, क्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 3 तथा 5 अब ध्यान दीजिए 4.1 में जो पहला आपका सवाल दे रहा है इसमें लिख रहा है कि 24 के सभी, कितना है 24, 24 के सभी गुणनखंडों पर राइट, किस चीज का चिन्ह है राइट, सही का चिन्ह लगाइए। अब इसमें पूछ रहा है 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो जैसे अभी पीछे हमने आप लोगों को बताया है कि जिस संख्या से जो भी, जैसे यहाँ 24 दिया है, अब यह किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, किस संख्या से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, वह संख्या उसका गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 जो है उसमें हमें किस किस संख्या से पूर्ण रूप से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो इसमें एक से होता है 24 × 24 एक से भी हो जाएगा, इसका राइट चिन्ह लगा सकते हैं ठीक। अब दूसरा 2 से क्या है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, हाँ 2 से भी हो जाएगा, 12 × 24 होता है ना 2 × 24 ठीक, इस पे हो गया। 3 से भी हो जाएगा, कितना होता है 8 × 3 = 24 या 3 × 8 = 24 8 बार में हो रहा है, ये भी विभक्त हो जाएगा। 4 × 6 = 24 6 बार में, ये भी पूर्ण रूप से विभक्त हो जा रहा है, 4 भी हो जाएगा। 5 से विभाजित होगा नहीं होगा, इसको छोड़ेंगे। फिर 6 से होगा ना, 6 × 24 होता है, 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 9 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 × 24 होता है। 15 से नहीं होगा, 24 से 24 × 24 होता है ये भी। तो अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, 24 के सभी गुणनखंडों पे दिया है राइट का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए, इस तरह का हो गया। लेकिन जब आंसर आप लिखेंगे तो हम यहाँ बता दे रहे हैं, पहला का आंसर जब लिखेंगे आप तो उसमें लिखेंगे 6, 12 और 24 ये पहला का आपका आंसर होगा, यही इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब आपका दूसरा जो सवाल है इसी तरह का सवाल है, आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा, उसमें जो भी पूछा होगा आपको यही ध्यान देना है कि वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। पूर्ण रूप से मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 है,
15। अब यह 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 2 से विभाजित का मतलब यह जो भी संख्या है वह पूर्ण रूप से कट जाए, विभक्त हो जाए। यहाँ अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 के पहाड़े में ऐसा क्या है, 15 आता है? नहीं आता है। एक तरह से ये भी समझ जाइए आप लोग, जब उस पहाड़े में वह संख्या नहीं आएगी तो इसका मतलब वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। अगर पहाड़े में आ जाता है तो विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 30 है, कितना है 30, 30 2 से विभाजित होगा, हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 = 15। यह क्या हुआ, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, पूरा का पूरा ये विभक्त हो गया। तो वही यहाँ पे इसका मतलब यह है, जो दूसरा रहेगा जो भी अंक दिया होगा अब वहाँ पे ध्यान देंगे कि किस किस संख्या से वह संख्या विभाजित हो जा रही है। अब तीसरा जो सवाल है वो दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसमें एक आसान तरीका आप लोगों को है, जैसे अभी पीछे हमने बताया है पूर्ण गुणनखंड भी, जैसे ए है। अब इसको क्या करेंगे, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ए है, ए दिया आपको 84। पिछली कक्षाओं में भी पूर्ण गुणनखंड भी बताया गया था, इसमें कैसे, तो हम जो संख्या रहता है उसको ऐसे लिख के एक ऐसे रेखा खींचते हैं उसको ऐसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह संख्या किससे कटती है। तो सबसे पहले हम छोटा अंक लेते हैं, तो पहाड़े में सबसे छोटा अंक 2। 2 से हम देखेंगे कि यह क्या 2 संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यह 2 संख्या से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे, इसके लास्ट में पिछले कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ाया गया है, यहाँ भी हम एक बार बता दे रहे हैं कि जैसे लास्ट में किसी अंक के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक इस तरह की संख्या अगर लास्ट में है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई कह दिया 3350, यह संख्या क्या 2 से विभाजित हो जाएगा, तो क्या होगा, हो जाएगा। क्यों, इसलिए लास्ट में यह 0 है। जैसे हमने अभी बताया इकाई के जगह पे अगर यह संख्या इनमें से कोई संख्या रहती है तो वह 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। यहाँ 2, 4, 6, 8, लास्ट में अगर यहाँ 8 है, जैसे यहाँ 3358 है, तो क्या यह 2 से विभाजित होगा, तो हाँ होगा। इसलिए क्यों, यहाँ पे 8 है जो 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभक्त है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम 2 से इसको विभाजित करते हैं, तो काटते हैं कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। अब 42 भी क्या होगा, 2 से 2 × 2 = 4 = 2। अब यह 2 से कटेगा नहीं, इसलिए इकाई के जगह पे 1 है। किससे कटेगा, यह 3 से, 3 के पहाड़े में आता है ना 21, कितने बार में, 7 बार में, 3 × 7 = 21। अब यह 7 क्या है, किसी पहाड़े में आएगा नहीं, यह खुद के स्वयं, मतलब ये 7 × 7 ही होगा। तब यह जो हमको प्राप्त हुआ यह 84 का क्या है, गुणनखंड। जैसे 2 अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3, 3, 7। तो यहाँ जो पूछा आप लोगों का, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ए का जो 84 दिया था इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 2, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7। अब यह 2 × 2 × 3 × 7 क्या है, इस 84 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इसी तरह से इसमें और भी सवाल हैं आप लोगों के। तीसरा में हमने जो ए बताया अभी, फिर डी जो है बता रहे हैं 28 दिया है। अब उसी तरह से इसको भी हम विभाजित करके गुणनखंड निकाल के देख लेंगे, जैसे 28 दिया है। अब 28 सेम उसी तरीके से पहले से 2 से 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 × 7 कितना होता है, 14। अब यह 7 खुद के अकेले 7 × 7,
अब 28 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए कितने हुए, 2 × 2 × 7। अब अगर यह आपका निकाला हुआ सही है, इसको जांच के लिए अगर गुणा करेंगे आपस में तो कितना आना चाहिए, 84। जैसे 2 × 2 कितना हो गया, 4, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है वो क्या सही है। उसी तरीके से 28 है, इसको देखना चाहते हैं तो आपस में गुणा कर लीजिए, 2 × 2 = 4 और 7 × 4 = 7 कितना होगा, 28 आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी जो इसका अभाज्य गुणनखंड है वह सही है। तो तीसरे में का दो हम सवाल ए और बी बताए हैं आप लोगों को, इसमें और भी सवाल हैं जो आप लोग स्वयं इसी तरह से पूर्ण गुणनखंड विधि के तरह से आसानी से इसको हल कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो आपका इसमें चौथा देखिए पूछ रहा है, 6 के गुणजों पर राइट का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। अब 6 के गुणज मतलब 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, अभी पीछे हमने बताया है ना। तो 6 के गुणजों पर मतलब 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, उनके ऊपर राइट का चिन्ह सही का चिन्ह लगाना है। इसमें देखिए 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती, 6 से 5 6 हो सकता है, 6 से 12 6 × 12 होता है, 18 भी 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 4 × 12 ये भी विभाजित हो जा रहा है, और फिर 6 × 5 = 30 ये भी विभाजित हो जा रहा है। इसका आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा आपका चौथा का, ये 6, 12, 18, 24 व 30। ये समझ में आया आप लोगों को, जो भी यहाँ संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको 8 दे दिया, 8 के गुणजों पर राइट का चिन्ह लगाइए, संख्या मान लीजिए यही दिया है, संख्या मान लीजिए यही है 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24, 30। तब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये देखना है कि 8 जो ये संख्या दे रहा है इससे यहाँ पे कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो अगर या तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8 × 3 = 24 3 × 12 यह विभाजित हो रहा है, यह 24 क्या हो जाएगा, यह 8 के गुणज हो जाएगा, क्या 8 का गुणज हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आप सवाल रहेगा इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला आपका है जो पांचवा, उसमें भी सेम इसी तरीके से संख्या दिया हुआ है, पूछा है कि गुणजों पर सही का राइट का चिन्ह लगाइए, तो वह संख्या जो भी होगा आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और उसमें देखिएगा कि जो संख्या दिया है उससे इस संख्या से कौन कौन सा विभाजित हो जा रहा है, वही उसका आंसर होगा। अगला आपका है छठा नंबर पे, देखिए दे रहा है 100 अभाज्य संख्याओं के जोड़ों पर राइट का मतलब वही सही का चिन्ह लगाइए। अब इसमें A, B, C और D 4 तरह का दिया है, इसमें से पूछ रहा है कौन से जो 100 अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया है कि जो संख्याएं एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं वह संख्याएं क्या होती हैं, 100 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं 100 अभाज्य। तो उस तरीके से हम देखेंगे इसमें, जैसे पहला ए आपका है 3 और 5। अब 3 जो है 5 है, यह क्या होते हैं, 3 से यह स्वयं अपने आप एक, 3 से 3 एकम क्या होता है 3, तो 3 से या तो यह विभाजित हो रहा है या किससे विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ 5 है, यह क्या है, 5 भी क्या हुआ, यह दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है, नहीं, यह भी अपने स्वयं या एक से। तो यह पहला आपका एक है, जब उत्तर इसका आप जब लिखेंगे हल करेंगे तो इसमें ए लिख देंगे आप 3, 10, A और 5 3 व 5 हो गया। और बी देखेंगे तो बी में दिया है 9 और 11, ये भी क्या है,
अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ देखिए 11 जो है वह स्वयं की संख्या से या एक से विभक्त हो रहा है। 9 जो है यह अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या, तो यहाँ पूछ रहा है सौ अभाज्य संख्याओं का, तो यहाँ पे जो 9 और 11 है ये भी आपका उत्तर में बी भी 9 व 11 जो है सौ अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब सी देख लीजिए, 15 और 9, 15 क्या होता है दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है, हो रहा है, और 9 भी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे यह क्या होगा, यह सौ अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बी देख लीजिए, 18 और 12 ये भी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यह भी क्या होगा, सौ अभाज्य नहीं होगा। तो सौ अभाज्य में आप लोगों का छठा का ए और बी इसका उत्तर होगा। अब अगला देखिए, 7वां नंबर पे दे रहा है, किन्हीं तीन संख्याओं को लिखिए जो हो, तीन संख्याओं को लिखिए जो हो, जैसे ये दिया है, पूछ रहा है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जैसे अभी आप लोगों को पीछे बताया है कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं कौन सा होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 3 दे रहा है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये का तीन संख्याओं सिर्फ दे रहा है, तीन संख्याओं को लिखिए, इसमें प्राकृत संख्या में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब दे रहा है बी पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये भी बताया है, पूर्ण संख्या में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6 ऐसे जो भी होंगे आदि, ये सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब सी, सी पूछ रहा है सम संख्याएं लिखिए। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया है, फिर यहाँ पे हम दोबारा बता रहे हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की जो भी संख्याएं वो क्या हैं, सम संख्याएं हैं। अब डी, डी पूछ रहा है विषम संख्याएं लिखिए। तो विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका 1 भी हो सकता है, 5 हो जाएगा, सॉरी 3 पहले 3 हो गया, 5 हो गया, आगे फिर जाएंगे तो 7 होगा, 9 होगा, इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अब अगला जो है आपका दे रहा है ई, ई में दे रहा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, कहने का मतलब क्या, जो 1 से या स्वयं से, 1 से या स्वयं से, जैसे 3 हो गया आपका, 7 हो गया, इस तरह से 11 हो गया, इस तरह का जो भी संख्याएं रहती हैं यह सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जो सिर्फ अपने स्वयं की संख्या से या 1 से विभाजित होती हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आप लिख सकते हैं 3, 5, 7, आगे अगर और लिखना रहता तो 9 हो जाता, तो यहाँ पे 3 सिर्फ लिखना था, तो हमने 3, 5 और 7 ये हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों का अभ्यास 4.1 में जो भी सवाल था उसमें हमने कुछ सवाल आप लोगों को हल करके बताया है। अगर इस अभ्यास में कोई भी ऐसा सवाल होता है जो आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं,